प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोगों ने किया स्वागत। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में पद्म अवार्डी पूर्व सैनिक और खिलाड़ियों से किया संवाद। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में राजपूत और यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। राजपूत समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए जताया आभार। प्रदेश में चलाए जा रहे उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन 48 लाख से ज्यादा बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। आज और कल स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पिलाएंगे पोलियो की खुराक। और प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून ने दी दस्तक। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़ और भरतपुर, धौलपुर के रास्ते राज्य में किया प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं चारू शर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अपने मिस्र के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे भारत और मिस्र के संबंधों को ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश लौट आए हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा ने दोनों देशों के साथ संबंधों की एक नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में मिस्र दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिलेगी। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल जयपुर में पद्म अवार्डी पूर्व सैनिक और खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं इन लोगों से सुझाव भी मांगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पद्म अवार्डी और सैनिकों का सम्मान भी किया। मंत्री आए यहाँ पे और संवाद किया लोगों से और अपनी भारत सरकार की 9 साल की उपलब्धियाँ बताई और उन्होंने सुझाव भी मांगे कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, भारत कैसे आगे बढ़ सकता है और हम अंतिम पायदान तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे, उन सभी से सुझाव लिए और उनके साथ कार्यक्रम अच्छा रहा। देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन संवाद रहा, बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई और इन बातचीत में ऐसे अहम मुद्दों पर हमने बातचीत करी है जिनसे कि हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस समय पार्टी या किसी इलेक्शन या किसी का वो बात नहीं है, बात देश की है, देश के भविष्य की है और मेरा ये बहुत पक्का तौर पर मानना है कि देश के लिए और देश के भविष्य के लिए एक स्थायी सरकार और एक बेहतरीन लीडरशिप और गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल जयपुर में भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक ऐसा काला दौर था जिसमें पूरे तरीके से भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि इतिहास में इस काले दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगामी चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा और भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है वह पूरा होगा। आज का दिन
आजाद भारत के लिए काला दिन है। 25 जून 1975 को जो कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल घोषणा की थी, जिसमें 1,40,000 करोड़ से अधिक लोगों को जेलों में डाला गया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के, हजारों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतंग और बाकी विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, देश से आजादी खत्म कर दी गई, देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारी लिबर्टीज को, हमारे जो अधिकार हैं, उन सबको ध्वस्त करने का काम कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो किया था, उसकी निंदा करने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कल जयपुर में राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया कल चित्तौड़गढ़ के निम्बाहाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ रहे। राज्यपाल ने अमृत जल संरक्षण परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत व्यक्ति को कहां से कहां ले जा सकती है। हम चाहे किसी भी पद पर रहें, बगैर कार्यकर्ता के पद शून्य कहलाएगा। प्रधानमंत्री देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। अगर याददाश्त कोई जाएगी तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारा समर्पण और तुम्हारे द्वारा किए हुए काम यही पीढ़ी आगे की याद करेगी, तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। ये तो एक क्षणिक भाव है जो आएगा और खत्म हो जाएगा। इससे कोई बहुत लंबी उम्र अपनी नहीं बनने वाली। अपनी उम्र बनेगी अपने काम से, अपने जीवन के समर्पण से, अपने संगठन प्रति निष्ठा से, अपनी शुचिता से, अपनी सादगी से। इनके आधार पर अपन पहचाने जाएंगे आने वाले वर्षों में। आज अगर जितने महापुरुष पहचानते हैं ना, तो इसलिए पहचानते हैं कि उनके पास कोई बड़ी कोठी तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जो काम उन्होंने किया उसको याद करते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बीकानेर संभाग के 400 वरिष्ठ नागरिक ट्रेन के जरिए गंगासागर धाम के लिए रवाना हुए। यात्रियों को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, भूदान बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और कलेक्टर भगवती प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। यात्रा ट्रेन 27 जून को गंगासागर धाम पहुंचेगी। प्रदेश में चलाए जा रहे उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल अभियान के पहले दिन 48 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि इस अभियान के तहत 23 जिलों के 5 वर्ष तक के 86 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने 66,000 से ज्यादा टीमों का गठन भी किया है। बच्चों को आज और कल भी स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। प्रदेश भर में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर संगठित हार्डकोर और वांछित सक्रिय अपराधियों असामाजिक अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत कल पुलिस टीमों ने दबिश देकर विशेष कार्यवाही की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि बीकानेर संभाग और जयपुर शहर में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। कल सांभर लेक कस्बे में ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने आकोदा गांव पहुंचकर महापराव पर डाल दिया। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस का जाप्ता तैनात रहा।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अजमेर के शिक्षक डॉक्टर मोक्षराज की शिष्या हॉलीवुड गायिका मैरी मिलबेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस पर भारत का राष्ट्रगान गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। वहीं मैरी मिलबेन ने अमेरिका के चर्च में आरती गाकर सबको आश्चर्यचकित किया। डॉक्टर मोक्षराज ने संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, साथ ही वे संस्कृत और योग के भी ज्ञाता हैं। भारतीय संस्कृति एक बड़ी समृद्ध संस्कृति है और इसके लिए पहले भी कहा गया, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वमसं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्यां सर्वमानवा। हे दुनिया के लोगों, आपको किसी प्रकार की शिक्षा चाहिए तो आप भारतवर्ष में आए। उसी कड़ी में भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति शिक्षकों को विभिन्न देशों में भेजा था। एक सौभाग्य मुझे भी मिला सुषमा स्वराज जी के समय वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय राजदूतावास में। आज उस समय का किया हुआ वो काम हमें परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है। जब माननीय मोदी जी का प्रवास अमेरिका में हुआ और उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के साथ अपना एक कार्यक्रम रखा, तब मैरी मिलबेन, जो हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अफ्रीकन अमेरिकन मूल की अभिनेत्री हैं और साथ में मशहूर सिंगर हैं, उन्होंने जनगणमन गाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में स्थित सूरजकुंड से लौटते समय कल शाम तेज बारिश के दौरान पानी का बहाव तेज होने से रास्ता बंद हो गया। इससे यहां आए 50 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें वहां मौजूद समाजसेवी भवानी सिंह झाला, ओंकार सिंह झाला और पीपला सरपंच भगवत सिंह झाला सहित स्थानीय लोगों ने रस्से की मदद से बाहर निकाला। वापस लौटते समय तेज बारिश होने से नाले में तेज पानी आ गया, तो यात्री नाला क्रॉस नहीं कर सके, तो ग्रामीणों से रस्सी मंगवा करके एक दूसरे सिरे से वृक्ष के रस्सी बांध करके एक यात्री को रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल दिया। प्रदेश में कल दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़ और भरतपुर धौलपुर के रास्ते से राज्य में प्रवेश किया है। इस बार मॉनसून लगभग तय तिथि पर ही पहुंच गया। पिछले साल यह 5 दिन की देरी से 30 जून को आया था। मॉनसून ने प्रदेश में आते ही भरतपुर संभाग के सभी जिलों के साथ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर को भी कवर कर लिया है। इससे अब प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोगों ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जयपुर में पद्म अवार्डी पूर्व सैनिक और खिलाड़ियों से किया संवाद। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर में राजपूत और यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। राजपूत समाज ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए जताया आभार। प्रदेश में चलाए जा रहे उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन 48 लाख से ज्यादा बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। आज और कल स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर पिलाएंगे पोलियो की खुराक। और प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून ने दी दस्तक। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़ और भरतपुर धौलपुर के रास्ते से राज्य में किया प्रवेश। फिलहाल के लिए समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।